मैंने आपका काम कर दिया है। पीसो। माता मारे को मारने पीटने आयो के? अगर मन्ने मारने को आतो तो पीसो काय को लातो है ना मास्टर? दरी से शक यानी इसमें क्या शक? ओहो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, लो बोलो। मारी समझ में एक बात नहीं आ रही हो है कि मैं थारे साथ कोई धंधो नहीं कियो, फिर यो पीसा किस बात का? दीनानाथ जी का घर जो तेरे पास गिरवी पड़ा है उसे वापस कर दे, ब्याज मिलाकर पूरे 50,000 है। लो बोलो, जब रोकड़ो मिल गयो है तो कागज अपने पास काको रखूंगो, वापस कर दूंगो। एक आपस की बात पूछू, कहीं डाका डालो है? नहीं नहीं नहीं, मारा मतलब यो है कि इतना पैसा आयो कहां से? त्रिकाल को जो हफ्ता मिलता था ना, आजकल वो मुझे मिलने लगा है। समझ गया? समझ गयो समझ गयो। कागज आज ही घर पहुंच जाना चाहिए, वरना तेरी ये फोटो। लाला करोड़ी बल बिगड़ गई थारी फोटो। यो मारी फोटो के पीछे क्यों पड़ो यार? थारी फोटो बहुत खराब है। थारी फोटो देखिए, ऐसी लगे है जैसे मरने के बाद माला लटका दियो है। अरे मारी फोटो अच्छी लग रही है इसलिए पीछे पड़ो है। ये कैसे कागज है लाला जी? लो बोल लो। अरे भाभी यो थारे घर का गिरवी का कागज है, थाने वापस करने आयो। माँ हम लोग तो लाला जी को बहुत बुरा आदमी समझते थे, मगर ये तो देवता निकले। लो बोल लो, मारे जैसे सदाण को देवता कह रही है चोरी से। अरे देवता तो शंकर है जिसने 55,000 रूपये देकर मारे से थारा मकान छुड़वा लियो। क्या शंकर ने? हाँ रुपया देके मकान छुड़वा लिया? लो बोल लो, मन ने झूठ बोलने की क्या जरूरत है? कागज संभाल के रखियो। सतो थकान की गोली दे। थकान की गोली? हेलो लाला जी। चलो मैं चलो, जयराम जी के भाई। जयराम जी के भाई चल। हाँ जी चलो। हमने शंकर भैया के एहसानों का अच्छा बदला चुका है माँ, उन्हें खड़े खड़े घर से निकाल दिया। हाँ बेटी हमसे बड़ी भूल हो गई। क्यों जी शंकर को वापस बुला ले? शंकर बेटा शंकर माजी माफ करना, हमने हीरे को कंकर समझकर घर से बाहर फेंक दिया था। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ भैया, दुख और तकलीफों ने हमें अच्छे और बुरे की पहचान ही नहीं रहने दी। अरे पगली तू क्यों रंज करती है, मुझे तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं है। तो फिर घर चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं भैया। बेटा कुसुम के भाई की मौत, इसके बाप की बीमारी और त्रिकाल के डर से मैंने तुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मैं जानता हूँ अजी, लेकिन मैं आपके घर रहकर अपना कर्ज नहीं उतार सकता। अब ये कर्जे वर्जे की बात छोड़ो, तुम्हारा एक फर्ज है बेटा जो तुम्हें निभाना है। फर्ज? कौन सा फर्ज? शंकर बेटा कुसुम की शादी तुम्हें पक्की की थी, अब इसकी डोली भी तुम्ही उठाओगे। हाँ भैया भूतनाथ जी ने तो तारीख भी दे दी है, और अब मैं डोली में तभी बैठूंगी जब मेरे भैया मुझे प्यार से विदा करेंगे। केलले केलले केलले। अरे गाड़ी रोको गाड़ी रोको। मैं हूँ अकेला केलले। अरे रैंडी ये तो एक दर्जन देना। अरे चाचू ये तो वही पुराना मास्टर है, केले बेच रहा है, ये तो वही सिखिया पहलवान है। अरे ये तो अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है, आजा। थैंक यू। अरे तू मास्टर है केले वाला? मैं मास्टर था भाजी, मैं मास्टर था, मगर आप लोग ने
मुझे अकेले वाला बना दिया। मेरे सारे सर्टिफिकेट तो फाड़ दिए आप लोगों ने। उसके बाद मुझे खूब पीटा, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे लूट लिया आप लोगों ने। अब क्या मेरे केले लूटने आए हो? अरे बाबा, मैं तेरे केले लूटने नहीं आया हूँ। चाचू ठीक कह रहे हैं। हाँ अच्छा, ये पिछले बार मुझसे भूल हो गई थी, तू बड़े काम की चीज है। आ जा फिर तुझे मास्टर बना देता हूँ। तुम पे भरोसा नहीं है मुझे। ये ले 500 रुपए एडवांस। हाँ चल चल चल, आजा आजा आजा, तेरी सेवा करते हैं। शंकर सन्यासी, हरे राम। तनिक पहचानो, का ये वही खूनी है? इसे कैसे भूल सकता हूँ, यही है वो हत्यारा। देख क्या रहे हो इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इस खूनी को। शंकर सन्यासी, हम तुमको सवन का कत्ल का इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कुछ गलत फहमी हुई है, वरना आप एक मसीहा को कातिल कहकर कभी न पुकारते। शंकर भैया और श्रावण भैया तो खास दोस्त हैं, और मेरे भैया किसी का खून नहीं कर सकते। नहीं इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल नहीं, ये तो इस बस्ती का रखवाला है। इंस्पेक्टर साहब, इस घर में भाई और बेटा बन करके इसकी रखवाली करता रहा, इसकी हिफाजत करता रहा, ये खून कैसे कर सकता है इंस्पेक्टर साहब? मैं हूँ असली ज्ञान शंकर शर्मा, श्रवण का दोस्त। ये फरारी मुजरिम मेरी जगह गांव में आकर गांव वालों को उल्लू बना रहा है। तो फिर रखो मेरे सर पर हाथ और खाओ मेरी कसम कि ये सारा इल्जाम झूठा है, तुमने कोई खून नहीं किया। शंकर तू खामोश क्यों है? शंकर इसका मतलब तूने दीनानाथ जी के बेटे श्रवण का खून किया है? जी हाँ, श्रवण का खून मेरे ही हाथों हुआ है। लेकिन ये खून मैंने जानबूझकर नहीं किया कुसुम। मतलब अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम? इंस्पेक्टर साहब, इस दरिंदे को मेरी नजरों के सामने से दूर ले जाइए, इससे पहले कि मैं इसका खून कर दूं, इसे गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाइए। मैं तुम चले जाओ यहाँ से। मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। खबरदार, जो तुमने अपनी गंदी जुबान से मुझे माँ कहा, पहले मेरी गोद सोनी करता है, फिर माँ कहकर अपनी गुनाहों का प्रायश्चित करता है। दरिंदे मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ले जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए। शंकर सन्यासी चलिए। शाबाश प्रताप, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम त्रिकाल के भाई कहलाने के लायक हो। ये बहुत अच्छा हुआ जो मास्टर जेल के सलाखों के पीछे पहुंच गया। भाई साहब, अब हमें इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। भूतनाथ जी,
त्रिकाल के आदमियों ने सारा वोटिंग बूथ को कैप्चर कर लिया। जोशी धांधली की मैं कंप्लेंट लिखवाने आया हूँ, कुछ कीजिए वरना मेरी जमानत जब्त हो जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए भोजना जी, हम उस त्रिकाल के खिलाफ एकदम ड्रास्टिक एक्शन लूंगा। बस जी वो त्रिकाल को कुछ ऐसा सबक सिखा दीजिए क्या ना कभी वो। हेलो इंस्पेक्टर बालिहारी सिंह स्पीकिंग। ठीक है सर, जैसा आपका मर्जी। भूतनाथ जी आई एम सॉरी, अब हम उस त्रिकाल के खिलाफ कौन एक्शन नहीं ले सकता हूँ। मुबारक हो, आप जीत गए। कल तक आपके पास सिर्फ रिमोट कंट्रोल था, आज रिमोट के साथ साथ विजेता की पदवी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्रताप जी, अब एक जुलूस निकालो जिसकी आड़ में उन लोगों को सबक सिखा सको जिन्होंने हमसे टकराने की कोशिश की थी। शंकर की शेप पर बहुत उछल रहे थे तुम लोग, तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं था। ये सच है कि त्रिकाल बंदूक के जोर पर बूथ कैप्चर करके इलेक्शन जीत गया। हाँ जी, इतना ही नहीं, इलेक्शन में जिन लोगों ने उसकी खिलाफत की थी वो उन सब से बदला ले रहा है। ऐसे हिंसावादी और भ्रष्ट आदमी को राजनीति में रहने का कोई हक नहीं। भले ही त्रिकाल हमारी पार्टी का उम्मीदवार है लेकिन हम उससे इस्तीफा मांगेंगे। मैं शंकर से मिल सकता हूँ? आई एम सॉरी हाजी साहब, ये तो सरासर नाइंसाफी है। शंकर तुम सुन रहे हो, त्रिकाल अपनी ताकत की बदौलत इलेक्शन जीत गया और उसके गुंडे ने चारों तरफ तबाही और बर्बादी का बाजार गर्म कर रखा है। शंकर उसे छोड़ना नहीं, तुम्हें खुदा का वास्ता शंकर, खुदा का वास्ता शंकर उसे छोड़ना नहीं। सागर जल्दी करो, हमें देरी हो बता रहा हूँ। मैं आ गया खुद, चलो दादा उसका नहीं भेजा, उड़ा दूंगा, ले चल इसको। शंकर को बना दी थी तुम लोग ने, देख लो तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। साहब कटे है, साहब बाहर गए हैं, कटे की है, कहाँ काम है? अरे दर्ज कराना है, शिकायत दर्ज कराना है, कंप्लेन। लाला जरा धीरे धीरे बोला, मारा नहीं हूँ। अरे मन ने ऊंचा बोलने की आदत है, सारा गांव में हाहाकार मचो है। उत्तरकाल के गुंडे कुसुम सागर दीनानाथ और उनकी पत्नी को उठा के ले गए हैं और कुसुम की दूसरी शादी करा रही है। जो कुछ कहना है ना धीरे कहो, अपनी शिकायत लिखाओ। आपको नहीं लिखाना है, जो कहना था वो कह दियो, वो सुनने वाले ने सुन लियो। ना खुदा जिनका कोई उनका जुदा होता है। अरे जुदा नहीं खुदा होता है। हाँ वही खुदा होता है, वही मदद करोगो। Ha ha ha!
जी पंडित से कहो सबसे पहले इस लड़की की पवित्र पूजा करें ताकि यह हमारे बेटे रैंडी के काबिल बने। उसके बाद उसे दुल्हन का लिबास पहनाकर विवाह मंडप में लाएं। फिर हम इसके पति की बलि चढ़ाकर इसे विधवा बनाएंगे और जब यह विधवा बन जाएगी हम अपने बेटे रैंडी के साथ इसका पुनर्विवाह कर देंगे। बेटे रैंडी त्रिकाल मैं तुझ जैसे जालिम से दया की भीख नहीं मांगूंगी लेकिन तुझे चेतावनी देती हूँ अब भी वक्त है पाप का रास्ता छोड़ दे त्रिकाल नहीं तो तेरा अंत बड़ा भयानक होगा। भयानक अंजाम तो आज तुम सबका होगा क्योंकि त्रिकाल जैसी चट्टान से टकराने की जरूरत जो तुम लोगों ने की है। डैड आज तो मेरी कुसुम के साथ स्वीट मैरिज हो जाएगी ना। बेटे तेरे इस सवाल का जवाब मैं नहीं पंडित महाराम देंगे। महाराम आपकी कुंडली में शनि और राहु ने अपने अपने स्थान इस तरह बदले हैं कि आप पर और आपके समस्त परिवार पर विनाश के घोर बादल मंडरा रहे हैं। तेरी बुद्धि उलट गई है जो सब कुछ उल्टा कह रहा है। मेरी बुद्धि नहीं उल्टी महाराज आपके ग्रह उलट गए हैं। बकवास बंद कर। मैं ये साबित कर दूंगा कि तेरी ये सारी विद्या झूठी है। अच्छा माय डैडी स्ट्रॉन्ग गेस्ट महाराज पंडित महाराम अब मैं इस लड़के की गर्दन काटने जा रहा हूँ क्योंकि गर्दन से उबलते हुए खून का फवारा देखने में मुझे बड़ा मजा आता है। क्या इस दुनिया में ऐसी कोई शक्ति है जो मुझे इसकी बलि चढ़ाने से रोक सके। हाँ तुमका नारायण नारायण एक ऐसी शक्ति है और वो है समय जो अब तुम्हारे साथ नहीं रहा। उसी समय की भविष्यवाणी अगर सुन सकते हो तो सुनो इस नौजवान की गर्दन काटना तुम्हारे भाग्य में नारायण नारायण नहीं है। इतना ही नहीं आज तुम्हारी मौत तुम्हारे चारों तरफ मंडरा रही है। आज तुम्हारे जीवन का नारायण नारायण अंत हो जाएगा त्रिकाल। भाई साहब आपने इस पाखंडी पंडित को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। मेरी सलाह मानिए तो सबसे पहले इसी की बलि चढ़ा दीजिए। नहीं प्रताप इसे तो जिंदा ही रहना चाहिए ताकि अपनी आंखों से अपनी सारी विद्या झूठी साबित होते हुए ये देख सके। नहीं छोड़ दो इसे, छोड़ दो, छोड़ इसे, नहीं। जय महाकाली। शंकर काल यही है तेरा काल। चुप है नमक राम। न अस्त्र से न शस्त्र से न जल में न थल है न वायु में न आकाश में मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं चाहूं तो तीनों लोगों में ला सकता हूं भूचाल और इसीलिए मेरा नाम है त्रिकाल। त्रिकाल अब तेरा काल खत्म होने वाला है। रावण को मारने के लिए राम जी ने अवतार लिया था कंस को मारने के लिए किशन जी ने और तुझ जैसे कलयुग के हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिम्हा का अवतार लिया है इस शंकर सन्यासी ने। अब देखना मैं तुझे इस दुनिया से किस तरह नरक रवाना करता हूँ। लाला ये क्या किया हमारा नमक खा के हमसे ही नमक हरामी। अरे थारे बाप के नमक में ताती ही नहीं थी। Oh!
साला त्रिकाल का काल बनने आया था। छोड़ना नहीं इसको। मैं भी मास्टर और शंकर भी मास्टर, अब हम दोनों भाई हैं। इंसानों की बलि चढ़ाता था, नहीं सगर, आज तुझ जैसे हवान की बलि चढ़ाकर मैं अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा। नहीं, मुझे माफ कर दे सगर, सगर मुझे माफ कर दे सगर, नहीं नहीं सगर, नहीं। अब भी से कुसुम से ब्याह करेगा? मैंने कुसुम को अपनी बहन बना लिया और आज से आप मेरे डैडी हो। डैड, मारे को थारे जैसे गधे का बाप नहीं बनना। डैड, शंकर भैया, शंकर बेटा इस अभागिन माँ को माफ कर देना। नहीं माँ, माँ कभी बेटे से माफी नहीं मांगती। बेटे आज से तू हमारा श्रवण है। शंकर सन्यासी, जीते रहो। शंकर भैया, चलिए शंकर। शंकर, हमने कहा था ना हम सोफिस्टिकेटेड टाइप का भी हूँ। मैं इंतजार करूंगी।